अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम ज्योग्राफी पाकिस्तान स्टडीज़ उसका यूनिट नंबर 4, ये पेपर 2 है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है फॉरेस्ट। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर के अंदर जो है ज़्यादातर रिपीट होते हैं या पूछे जा सकते हैं। उनकी अगर हम डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहला जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत दफ़ा जो है पेपर में पूछा गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इनके अंदर उनकी लोकेशन को भी डिस्कस करेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस यानी उनके यूजेस को डिस्कस करेंगे और हम उनमें उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि उनको किस तरह से आइडेंटिफाई जो है वो किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है इरिगेशन प्लांटेशन जो है उनके एडवांटेजेस और उनके डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा रिपीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस पूरे यूनिट का जो है वो है हाउ डू मैंग्रोव ट्रीज सर्वाइव इन द सॉल्ट वाटर। ये बहुत अच्छी तरह से आपने करना है इसको। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बनता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, तो उनको डिस्कस करना है। देन इस यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो है सारा डीफॉरेस्टेशन है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से आपने तैयार करना है, उसकी कॉजेज़, उसके इफ़ेक्ट्स और उनका सोल्यूशन। ये जो है ये सारा कुछ जो है वो डीफॉरेस्टेशन के अंदर आएगा। देन जो आपका एक लास्ट छोटा सा टॉपिक जो है वो आएगा लैंडस्लाइडिंग के ऊपर है कि हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो उसकी दो ही टेक्निक होती हैं लैंडस्लाइडिंग मैनेज करने की, उसमें टेरेसिंग एक टेक्निक है और दूसरी टेक्निक जो है उसको बोला जाता है कॉन्टोर ब्लोइंग। तो ये दो टेक्निक्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब वन बाय वन इन क्वेश्चन को जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वो जो है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट जो है। तो इनका जो डिफरेंस है ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपने इसी तरह से इनको तीन पॉइंट्स जो हैं ये बहुत है इनके लिए, तो ये करना है। मेजर डिफरेंस जो है वो यही है इनका जो नेचर, यानी एक जो है वो मैन मेड है और एक जो है वो नेचुरल है। फिर एक की कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है, दूसरे की कमर्शियल वैल्यू कम होती है। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपने इसमें करनी है। दो या तीन पॉइंट्स जो हैं ये इनके लिए बहुत होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक जनरल सा क्वेश्चन, इसको खुद से भी लिखा जा सकता है। तो इसके अंदर आप अगर बात करें तो ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल हैबिटेट है, उसके अलावा जो है टिम्बर प्रोवाइड किया करता है हमारे हमें फ्लड से जो है ये फॉरेस्ट जो है वो रोक लेते हैं, सीनिक ब्यूटी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं या इसकी जो इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट जो इसका क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। एक चीज़ स्टूडेंट्स के लिए कि आप मेरे बच्चे इसके अंदर ये जितनी भी टाइप्स हैं इन टाइप्स की आप गूगल पे सर्च भी किया करें, आपको आइडेंटिफिकेशन आपके लिए होनी चाहिए, आपको खुद हो, आप पहचान सकें कि कौन सा जो ट्री है वो कौन सा है। क्योंकि पेपर के अंदर आपको मैप दिया जाएगा, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आप खुद इसको आइडेंटिफाई करें ये कौन सी टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। तो मेजर जो टाइप्स हैं ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं विद पिक्चर्स। तो उसमें सबसे पहले जो है वो एल्पाइन फॉरेस्ट है, दूसरे नंबर पे कॉनिफॉरेस्ट है, तीसरे नंबर पे ट्रॉपिकल थॉर्न है, चौथे नंबर पे सब ट्रॉपिकल है, देन रिवराइन या बेला फॉरेस्ट है, देन उसके बाद मैंग्रोव्स हैं और आखिर पे इरिगेटेड फॉरेस्ट है। अब इसमें मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा करें कि एक दो काम इसमें आपने करने हैं। एक तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको इनकी लोकेशन और यूजेस का पता होना चाहिए कि ये जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पर हैं और उनका यूजेस क्या है। तो ये वन बाय वन अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर पे जो है वो एल्पाइन फॉरेस्ट हैं। तो इनकी जो लोकेशन है ये सारे हमेशा याद रखना, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो है ये होते हैं। तो इनकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये फ्यूल वुड के लिए भी बड़े काम आते हैं, मेन इनका जो काम है वो सारे का सारा वो फ्यूल वुड के लिए ही है। दूसरे नंबर पे जो है वो आपके हैं कॉनिफॉरेस्ट हैं। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, KPK में आ जाते हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी के अंदर हैं, बलूचिस्तान माउंटेंस में हैं, ये क्वेटा वगैरह कलार डिवीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये एक तो टिम्बर का बहुत बड़ा सोर्स है, फर्नीचर वगैरह इनसे बनता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इससे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक ब्रीडिंग एक समय ले ग्राउंड बन जाता है उनके लिए, और सीनिक ब्यूटी इनकी बहुत होती है। तो ये आ गए आपके पास नंबर 2। और नंबर 3 जो है वो ट्रॉपिकल थॉर्न है। तो इनमें ट्रॉपिकल जो है ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होते हैं, यानी पंजाब के अंदर होंगे, आपके सदरन एंड वेस्टर्न बलूचिस्तान में होंगे और सिंध प्लेन्स जो हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा
पाए जाते हैं, तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है ये फायरवुड के ही काम आते हैं। नेक्स्ट आपका सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल जो होते हैं, याद रखना ये हिली एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हिल्स एंड फुट हिल्स जो हैं, ये चाहे लोअर हिमालयाज़ के हों या आपके जो बलूचिस्तान वाले इलाके हैं उधर हों, तो या मकरान कोस्ट वाली साइड जो है, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। सुलेमान रेंज में और किरथार रेंज में भी ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर इनकी इंपॉर्टेंस या यूजेस की बात करें, तो एक तो ये फायरवुड का है, दूसरा ये ग्रेजिंग पर्पज़ के लिए बहुत इनका यूज़ जो है वो होता है, तो ये इनके यूजेज़ हैं। फिर हम नेक्स्ट जो है वो बेला फॉरेस्ट या रिवर एंड की बात करें, तो उसमें ये जहाँ जहाँ रिवर इंडस है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, रिवर इंडस के ट्रिब्यूटरीज़ के करीब जो है उस पर ये होते हैं। तो इनकी अगर हम यूजेस की बात करें, तो ये फर्नीचर के बहुत काम आते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इससे फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है, जिसमें ये शीशम हो गया, ये कीकर के दरख्त वगैरह जिनको बाबुल बोला जाता है, ये हैं। तो इसके अलावा इनका जो है फायरवुड में भी ये काम आते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट है नेक्स्ट नंबर पे। मैंग्रोव आपको याद रखना होगा कि ये सिर्फ कोस्टल एरिया में होते हैं, सिंध और आपके जो बलूचिस्तान का कोस्ट है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इनका जो है अगर हम इम्पोर्टेंस यूजेस की बात करें, तो ये फायरवुड के काम आते हैं। उसके अलावा जो है वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनका टिम्बर जो है वो काम आता है। फिर फिश के लिए ये बहुत बड़ा इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, उनका जो है ये एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं, तो ये एक उनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें हैं जो यूजेज़ हैं इनके। नेक्स्ट लास्ट नंबर पे जो है वो इरीगेटेड फॉरेस्ट है। इरीगेटेड तो ये जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ आप इनको लगा सकते हैं। सबसे बड़ा जो है वो आप छांगा मांगा की एग्जांपल लाहौर वाली जो है वो दे सकते हैं। उसके अलावा जो है थल एरिया में कुछ जो है वो वहाँ बच रहा है, एक जगह वहाँ पे लगाने की कोशिश की गई थी, वो अभी भी है वहाँ पे। देन उसके बाद चीचा वतनी में है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है, तो इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो टिम्बर है, फायरवुड है, ये मेन जो दो चीज़ें हैं वो हैं। तो इसके लिए एक एडवाइस आपके लिए, अगर आपको यूजेस ना आ रहे हों तो ये दो चीज़ें तो आप ज़रूर लिख के आया करें। एक आप टिम्बर लिख दिया करें, फर्नीचर वगैरह बनाने के काम आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आप फायरवुड जो है वो लिख सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर भूल जाएं या ना लिखना आ रहा हो, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये इरीगेटेड प्लांट जिनकी हम बात कर रहे थे, इनके एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कम से कम इनके तीन एडवांटेजेस और तीन डिसएडवांटेजेस जो हैं ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो उसमें आपके पास जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो तीन मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं वो आपको ये देख सकते हैं, आप नज़र आ रही हैं आपको। उसमें सबसे पहले टिम्बर है, नंबर टू पे फ्यूल वुड है, नंबर थ्री पे माइनर प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर हम माइनर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो उसके आगे फर्दर उसकी थ्री टाइप्स होती हैं, जिसमें रेजिन है, मैजरी है और इफेड्रा है। रेजिन का मतलब होता है कि ये जो आप जिसको गोंद कहते हैं, गम जो होती है, ये वो होती है, इससे जो है वार्निश वगैरह बनाई जाती है। और अगर हम मैजरी की बात करें, तो इससे जो है मैट्स वगैरह बनते हैं, बास्केट्स वगैरह बनती हैं, छंगेरे वगैरह जो हैं वो बनाई जाती हैं। और इफेड्रा की बात करें, तो ये तो सीधा साधा मेडिकल के अंदर काम आता है, और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसको लेती हैं और उससे जो है मेडिसिन बनाई जाती हैं। अब इसके सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें इस यूनिट की, तो वो है डीफॉरेस्टेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे यूनिट का, डीफॉरेस्टेशन, इसकी कॉजेज, इसकी इफ़ेक्ट्स और इसकी जो सोल्यूशन है। तो ये एक चार्ट में आपके सामने जो है शो कर रहा हूँ, इसमें आपने बड़ी अच्छी तरह से देखना है इसकी कॉजेज। कम से कम तीन कॉजेज जो हैं वो आपने याद कर लेनी है, और इसी तरह से उसके तीन इफ़ेक्ट्स भी आपको पता होना चाहिए, और उसका तीन जो है वो तरीके, आपका मेथड्स आपको पता होना चाहिए कि हम इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद छोटा सा लास्ट पे एक टॉपिक है, वो क्या है, वो है कि लैंडस्लाइडिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो लैंडस्लाइडिंग कंट्रोल करने के दो वर्ल्ड वाइड जो मेथड हैं, उनमें एक जो आता है वो टेरेसिंग है, और दूसरे नंबर पर कॉन्टोर प्लोइंग है। ये पिक्चर में आपको बड़ा अच्छी तरह से आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। जो टेरेसिंग होती है, क्या किया जाता है कि जो हिली एरियाज़ होते हैं, फुटहिल्स जो होती हैं, उसके नीचे बेड्स बना दिए जाते हैं, उनको कट किया जाता है, स्लोप सी बनाई जाती है, ताकि जो वेदर इफेक्ट है, वेदरिंग की जो इफेक्ट उसके ऊपर पड़ते हैं, तो उससे जो है वो लैंड स्लाइडिंग ना हो, और इन ये जो बेड्स हैं, इन जो कटिंग जिस तरह से की जाती है, इससे वो जो सॉइल है वो मज़बूत हो जाती है। देन उसके बाद दूसरी टेक्निक जो है वो है कॉन्टोर प्लोइंग। ये उससे नीचे जो जहाँ पर टेरेसिंग की जाती है, उससे नीचे डीप स्लोप्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, और इन डीप स्लोप्स को ही कॉन्टोर प्लोइंग कहा जाता है। तो ये पैरेलल जो है, यहाँ पे आप इसमें डिफरेंट किस्म की क्रॉप्स भी लगा सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ये क्रॉप्स लगा देते हैं, जिससे जो सॉइल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और लैंडस्लाइडिंग जो है वो नहीं होती। तो ये दो टेक्निक्स हैं।
तो इतना सही है, यूनिट नंबर 4 यही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, अच्छी तरह से इनको आप कर लें, यूनिट नंबर 4 आपको हो जाएगा। एक चीज़ इसके लिए याद रखना, मैं हमेशा यूनिट नंबर 4, 5 और 6 को बेबी यूनिट्स कहा करता हूँ। इन तीन यूनिट्स में से एक ऐसा यूनिट है, कोई सा भी हो सकता है, जो आपके पेपर में 100% कन्फर्म आता होता है। 25 मार्क्स हैं इन तीन यूनिट्स के अंदर, और ये बेबी यूनिट्स हैं, छोटे छोटे से यूनिट्स हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से टाइम दें तो आप यहाँ से अपने 25 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं आउट ऑफ 75। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।